दोस्तों आज चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर और जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक महत्वपूर्ण अंग। पहले फॉर्मूला को देखते हैं, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Empower Education Point में। चलिए दोस्त, फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का अर्थ है दोस्त, यहाँ पे एक लाइन ए है, दूसरा लाइन बी है। इस लाइन बी ए और बी की उस दूरी जो है वो रेशियो में दिए गए हैं। वो रेशियो का नाम है ए वन, और ये पॉइंट आपका एक्स वाई हो गया, इसको हम सी कर दें। ए का निर्देशांक एक्स वन वाई वन हो गया और बी का निर्देशांक एक्स टू वाई टू हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में सी का वैल्यू अगर पूछ दिया तो हम फॉर्मूला देखते हैं, ए वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू। ये आपका सॉल्व, आपका प्रूफ नहीं किया हुआ बल्कि प्रूफ करके डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया गया है। सेकंड है वाई कोऑर्डिनेट निकालने के, ए वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बनता एम वन प्लस एम टू। तो इस फॉर्मूला से हम लोग विभाजन सूत्र की मदद से हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और फॉर्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब ये एम वन और एम टू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो विभाजन सूत्र कौन सा लाएगा दोस्त, ये एक्स वन वाई वन है, एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू। यहाँ पे बीचों बीच में एक पॉइंट है सी, जो कि ये और ये सेम है, मध्य बिंदु है सी। तो इस तरह के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। सिंपल है दोस्त। अब चलते हैं तीसरा फॉर्मूला की ओर, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है दोस्त। ये मान लिया जाए ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसके बीच में केंद्र होगा इसका कोई। तो इस केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, इस केंद्र का निर्देशांक को हम मान ले x और y, इसको मान ले x1 y1, इसको मान ले x2 y2 और इसको मान ले x3 y3। तो इस तरह के केंद्र को निकालने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 by 3 y plus y2 by y1 plus y2 plus y3 by 3, जिससे कि हमें केंद्रक का निर्देशांक मिलेगा। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, क्या कहता है, त्रिभुज के अंतर केंद्र का निर्देशांक। ये आपका त्रिभुज है, इसने एक वृत्त बनाई, अब इसके एक केंद्रक है, ये हो गया आपका अंतर केंद्र। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा दोस्त, ये ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, अलग अलग डिफरेंस हो गए दूरियां, ठीक है। उसी तरह ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके कुल मिला के चार फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इन चारों चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इसको बना पाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए वन देखते हैं, टाइप वन में, टाइप वन विभाजन सूत्र से चलते हैं। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखिए टाइप वन, इस चैप्टर का टाइप वन क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप वन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वन टू थ्री फोर, टाइप वन में एक का निर्देशांक वन टू है और बी का निर्देशांक थ्री फोर है और इसे
एक रेशियो एक में बांट दिया गया है, जिसे एम वन और रेशियो एम टू कर दिया हुआ है टू रेशियो थ्री, टू रेशियो थ्री। क्वेश्चन ये है आपका, समझते हैं, यही है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ए का निर्देशांक 1.2 है, बी का निर्देशांक 3.4 है, और ये जो रेशियो है ए बी और बी सी का वो दिया हुआ है 2:3 रेशियो में। चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र। पहले सी का निर्देशांक सी, एक्स वाई का निर्देशांक क्या होगा दोस्त, एक्स वाई का निर्देशांक, विभाजन सूत्र लगाते हैं, विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या होता है दोस्त बताए हैं, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। ये x के वैल्यू ज्ञात करने के लिए है, y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए m1 y2 plus m2 y1 बटा m1 plus m2। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पे रखकर क्या हमारा वैल्यू आता है। चलिए पहले x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू होगा m1, m1 हमारा क्या है 2, ये है x2 कितना है दोस्त, देखिए ये 3 है x2 है, प्लस m2 3 है, और x1 कितना है 1 by m1 plus m2 मतलब 2 plus 3। जैसे इसका वैल्यू निकालते हैं तो 3 2 6 plus 3 1 जा 3 by 5 9 by 5, ये आपका x का वैल्यू है। अब जरा y का वैल्यू निकालते हैं इससे, y का वैल्यू क्या मिलेगा, m1 2, y2 कितना है दोस्त 4, प्लस m2 आपका हो गया 3, और y1 क्या हो गया 2 बटा m1 plus m2। जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई किए 4 * 8 = 6 6 * 4 = 14/5, ये आपका आंसर हो गया दोनों। x बराबर क्या हो गया आपका आ गया 9/5, और y बराबर हो गया 14/5, यही आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से हम टाइप नंबर 1 देखें, टाइप नंबर 1 कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपके बुक्स में मिलेंगे।